हम करेंगे नवी कक्षा के ग्रामर, हमारे प्रश्न चल रहा था तो आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का वैसे शाब्दिक अर्थ है आभूषण। शब्द और अर्थ में इसकी परिभाषा जो आपको पता लिखनी है वो है, शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। दोबारा से देखो, शब्द और अर्थ में मतलब शब्दों के आधार पर और अर्थ में जो परिवर्तन चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अलंकार क्या होता है? जहां शब्दों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है। जहां शब्दों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है। इसके तीन भेद हैं, शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहला है इस अनुप्रास, जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां व्यंजन स्वर नहीं, न स्वर न वर्ण, क्या होता है व्यंजन कौन से होते हैं, क्या क्या ये होते हैं। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण, बार बार आवृत्ति में जहां व्यंजनों का बार बार प्रयोग किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आगे समझ में, परिभाषा भी आपको यही लिखने जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब यहाँ पर चय चारु में चय, चंद्र में चय, चंचल में दो बार चय आया, तो यहाँ पर बार बार किसका प्रयोग हुआ है, चय का, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जंथन में, आगे समझ में। इसके उदाहरण है जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया में मैं माखन में मैं, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी में ते, तनुजा में ते, तट में ते, तमाल में ते, तरुवर में ते, ठीक है। ये ते की आवृत्ति हुई है, यहाँ मैं की आवृत्ति है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ कौन सी आवृत्ति हुई है, किस व्यंजन की है, मैं की आवृत्ति हुई है, मैं बार बार मैं का बार बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर क्या है, मैं की आवृत्ति है और फिर से की आवृत्ति है, से का बार बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो इस तरह से ये उदाहरण है, तो ये कौन सा अलंकार है पंक्तियों में, अनुप्रास अलंकार। जो क्वेश्चन आपका आता है या तो अलंकार की परिभाषा आती है जैसे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आती है तो उदाहरण सहित, या पंक्ति आपको दे देंगे जैसे मैया मैंने ही माखन खायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आया समझ में। नेक्स्ट है, ये हो गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट है यमक, कौन सा है अनुप्रास अलंकार के भेद, ये शब्द अलंकार के भेद है। दूसरा है यमक, जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, मतलब जो कोई एक शब्द हो और उसका अर्थ उसको बार बार प्रयोग हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो उसे कहते हैं, वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोरायलर वह पाए बोराय। कनक कनकते, कनक मीन्स सोना और कनक मीन्स धतूरा, दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कि सोने में धतूरे से भी सौगुनी अधिक नशा होता है, मादकता मीन्स नशा, कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। यह खाए बोरायनर, यह खाए मीन्स धतूरे को खाकर व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है। वह पाए बोरा है, लेकिन सोने को पाने मात्र से जब व्यक्ति के पास धन दौलत आ जाती है, सोना चांदी आ जाता है, तो उसे अभिमान आ जाता है कि मैं तो अमीर हो गया, तो अमीर का नशा हो जाता है, उसे सोने चांदी का नशा हो जाता है। तो यह खाए बोरायनर वह पाए बोरा है, इसको खाने से व्यक्ति पागल, किसको खाने से, धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, और सोने को पाने मात्र से ही व्यक्ति नशे का अनुभव करने लगता है, कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, उसको खाने से, उसको मीन्स धतूरे को, व्यक्ति पागल हो जाता है अर्थात नशे का अनुभव करता है। इसको किसको, सोने को प्राप्त कर लेने मात्र से ही नशे का अनुभव करने लगता है। यहाँ पहले कनक का अर्थ है धतूरा सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, ठीक है।
दो कनक है, कनक कनक ते सौगुनी, कनक मीन्स सोना, कनक मीन्स धतुरा, तो दोनों का अर्थ अलग है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट जो इसका उदाहरण है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, अब श्री कृष्ण जी कहते हैं राधा से कि तुम्हारे ऊपर, इससे कहते राधा से कि राधा तुम्हारे ऊपर, तो पर वारो उर्वशी जो स्वर की अप्सरा उर्वशी उसको न्योछावर करता हूं, मतलब इतनी उनकी सुंदरता और उनके हाँ जो भी था उनकी सुंदरता पर उनको किसको न्योछावर करने देने की बात करते हैं, स्वर की अप्सरा। तो मोहन के उर्वशी, उर्मी हृदय और हृदय में बसी हुई, तो इसका अर्थ अलग हो गया। तो मोहन तुम तो किसके हृदय में बसी हुई हो? श्री कृष्ण के। हवे उर्वशी समान, और किसके समान हो? उर्वशी, उर्वशी होता है गले में पहने जाने वाला हार, तो इसका अर्थ गले में पहने जाने वाला हार। तो पर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तुम मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तो इसमें तीन बार उर्वशी आए, तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले उर्वशी का अर्थ स्वर्ग की अप्सरा, दूसरे उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी हुई, और तीसरे उर्वशी का अर्थ है गले में पहने जाने वाला आभूषण। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अगर समझ, पहले का अर्थ है उर्वशी नामक अप्सरा, दूसरा मोहन के हृदय में बसी हुई, तीसरा गले में पहने जाने वाला आभूषण, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। नेक्स्ट इसका उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, तो यहाँ पर मंदिर के अंदर, मंदिर पहले एक ही उदाहरण दे रखा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ठीक है ये उदाहरण आप मत करना इसका। नेक्स्ट है, जगती जगती की मुंह प्यास, जगती जगती की मुंह प्यास, पहले जगती का अर्थ है जागना और दूसरे का है संसार, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यह मौन अलंकार। अगला है श्लेष, श्लेष शब्द का अर्थ होता है जो मूल अर्थ है वह चिपकना, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो, मतलब तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वहां पर होगा अलंकार श्लेष अलंकार। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जैसा स्वभाव किसका होता है दीपक का होता है, वैसा ही कुल के कपूत का होता है, कपूत सोए सपूत हो जो भी है उसका होता है। बारे उजियारो करे, बारे मीन्स बचपन, हमें और बनारे में जलाने पर, बढ़े अंधेरो हो, बढ़े मीन्स बढ़ने पर, उम्र बढ़ने पर, और बढ़े मीन्स अंधेरा होने पर, इन दोनों का अर्थ अलग है कि बारे बारे उजियारो करे, जब दीपक को जला दिया जाता है तो वह उजाला करता है, ऐसे ही जब जो कोई किसी का जो पुत्र है वह अच्छे काम करता है तो कुल का नाम रोशन करता है, और जब कुछ गलत काम करता है तो वह उसका उसका वंश का उस परिवार का बेदना बदनामी होती है। तो बारे उजियारो करे, जब वह बढ़ता है अर्थात जलता है, दीपक जलता है और बच्चा बढ़ता है तो उससे क्या होता है, कुल का नाम रोशन होता है, ऐसे ही जब दीपक जलता है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। बढ़े अंधेरो हुए, दीपक को जब बुझा देता, बढ़ना मीन्स बुझना, जाने पर अंधेरो हो, अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही जब उम्र बढ़ती है और वह काम ऐसे करता है, उसके बढ़ने पर, बच्चे के बढ़ने पर जब काम गलत काम करता है तो उससे क्या होता है, परिवार की बदनामी होती है। तो उससे क्या है कि इसके दो अर्थ हैं अलग अलग, बारे मीन्स बढ़ना जलाना बचपन में, और दूसरा अर्थ है जलाने पर। ऐसी बढ़े, बढ़े का मतलब उम्र बढ़ने पर, और दूसरा अर्थ है बुझाने पर। तो यहाँ पर इस शब्द के दोनों अर्थ शब्दों के अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ऐसे श्लेष अलंकार के और उदाहरण है, जैसे रहीमन पानी राखी है बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी अर्थात मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। रहीमन पानी रागे, पानी मीन्स मान मर्यादा, अपनी इज्जत। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मान मर्यादा की, अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, व्यर्थ है।
पानी गए ना उभरे, पानी के चले जाने पर क्या होता है, मोती मानस चून। पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, पानी के चले जाने पर अर्थात इज्जत के चले जाने पर मोती का मनुष्य का छूने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता, जैसे मोती जब तक मोती की चमक होती है, यहाँ पर पानी से क्या लिया गया है, मोती की चमक से है, ठीक है। जब तक मोती में चमक होती है तभी तक उसका मान सम्मान होता है, जब तक उसको लोग बाग पूछते हैं, अदरवाइज जब मोती की चमक चली जाती है तो व्यर्थ हो जाता है। ऐसी मान मनुष्य जब तक मनुष्य चरित्रवान होता है तो उसका मान सम्मान होता है, जब चरित्रहीन हो जाता है चरित्र के चले जाने पर उसका कोई मान सम्मान नहीं करता। ऐसी चून, चून मीन्स चूना, जब तक चूने को पानी में नहीं डाला जाता तब तक उसकी सफेदी नहीं उभरती। चूना जो सफेदी वगैरह करने के काम आता है, व्हाइट वॉश में काम आता है ये, तो जब तक चूने को पानी में नहीं डाला जाता तो वहां पर चूने का कोई महत्व नहीं होता। तो मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ है इज्जत, और चूने के पक्ष में पानी का अर्थ है पानी। पानी के बिना चूने की सफेदी नहीं उभरती। यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक। विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतरमा बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल, लाल के दो शब्द हैं यहाँ पर, लाल शब्द रखा है तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं, पुत्र लाल मिस पुत्र और लाल मिस मणि, मणि मोती जो होते हैं उनको कहते हैं लाल। तो ये यहाँ पर हमारा अर्थ अलंकार पूरा हो गया है, तो इसको आपको कॉपी पर करना है। इसके साथ आपको एक ये करना है कि किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें नगर में व्याप्त बिजली की आवश्यक अर्थव्यवस्था का, बिजली आती जाती चलती रहती है, उसका वर्णन किया गया हो। तो इसमें आएगा परीक्षा भवन, जो एड्रेस दोगे अपना, परीक्षा भवन कौमा फरीदाबाद नीचे सेवा में संपादक महोदय आएगा, यहाँ पर सेवा में संपादक महोदय। किस भी समाचार पत्र का हो तो समाचार पत्र में आपको ये देना है, तो समाचार संपादक महोदय हिंदुस्तान नई दिल्ली, कहाँ से प्रकाशित होता है, नई दिल्ली से। मान्यवर महोदय, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अपने नगर में फैली बिजली की व्यवस्था की ओर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले नगर की सड़कों को लीजिए, एक तो ये सड़कें तंग हैं, दूसरे इन पर यातायात का आवागमन दिन की अपेक्षा रात में अधिक होता है, ट्रकों से सड़कें घिरी रहती हैं, सड़क के दोनों बिजली के खंभे हैं पर उन पर प्रकाश प्राय गायब रहता है, परिणाम स्वरूप अनेक दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। ऐसी अवस्था में सड़क पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता है। बिजली के न होने से अनेक स्थानों पर कामकाज ठप हो जाता है, इससे उत्पादन कम होता है, श्रमजीवी का आर्थिक संकट बढ़ता है, बिजली की यह आंख निचोड़ी छात्र छात्राओं की पढ़ाई में बाधा डालती है, बिजली का अभाव अनेक प्रकार के संकटों को जन्म देता है। अधिकारी वर्ग हमारी शिकायतों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी किए हैं पर उनके कानों पर चुभ तक नहीं रहेगी। आपके समाचार पत्र की बड़ी धाक है, धाक में इस बड़ा नाम सुना है, यदि आप हमारा साथ दें तो हम अवश्य ही इस संकट से मुक्त हो सकते हैं। इस पत्र को प्रकाशित करने की कृपा करने के साथ साथ यदि इस विषय पर एक संपादकीय भी लिख दें तो हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे, धन्यवाद भवदीय भीष्म नारायण सिंह। तो ये पर यहाँ पर ये पत्र हो चुका है, तो ये आपको अपनी कॉपी पर करना है। नेक्स्ट आगे जो अलंकार है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।